Hello everyone welcome to the learning platter cs in this video we are going to discuss the meaning of arithmetic progression and we will see number of real life examples to understand arithmetic progression in a better way so let's get started in our daily life we often come across so many things which have a definite pattern or sequence like arrangement of leaves on the stem of a tree तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लीव्स अरेंज हैं इनका एक पैटर्न है ठीक है इसी तरह से अगर हम देखें इंडिविजुअल सेल्स ऑन अ हनी कॉम्ब तो इनका देखिए एक पैटर्न है जो पैटर्न है वो पूरे में उसी तरह से फॉलो किया हुआ है ठीक है ठीक है इसी तरह से अगर हम देखें फ्लावर्स में तो फ्लावर्स अगर सनफ्लॉर है या लोटस है उसी तरह से उसकी पैटर्ल्स की क्या होती है एक सीक्वेंस होती है हम इस पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्केर्स कितने हैं वन देन वी हैव टू फ्टर दैट थ्री फोर एंड फाइव तो देखिए जो नंबर ऑफ स्क्र्स हैं वो क्या हो रहे हैं वन वन इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे वन ऐड किया हमने टू हो गए देन टू में वन ऐड किया थ्री हो गए फोर एंड देन फाइव तो ये पैटर्न क्या क्या है कि जब हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं वन ऐड करते चले जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर ऑफ स्क्र्स को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो इसी तरह से अगर हम टू एड करें तो देखिए शुरुआत में हमारे पास कितने वन नेक्स्ट टाइम थ्री है सो इट मीन्स हमने कितना ऐड किया टू ऐड किया अभी थ्री से कितने हुए फाइव हुए हाउ मेनी वी आर एडिंग नाउ टू नाउ फ्रॉम फाइव टू सेवन हाउ मेनी वी एडेड टू ठीक है तो हम कितना ऐड करते चले जा रहे हैं टू टू ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है सो वॉट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस नाउ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स In which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term. तो हर नंबर को हम कैसे ऑप्टेन करें उसके प्रीवियस वाले नंबर में कुछ एक फिक्स नंबर को ऐड करके ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए ये नंबर क्या है आपका फिक्स है ठीक है और पुरान पिछले वाले नंबर में पिछले टर्म में हम कुछ ऐड कर रहे हैं अपनी नई टर्म को कैलकुलेट करने के लिए Though we never realize it, there are many instances of arithmetic sequence that we come across daily. Are you thinking of it? Yes. So, mathematics itself is based on arithmetic sequence. Let us see how. First example for this is counting.

Next, we have mathematical tables. So, mathematical tables are a brilliant example of arithmetic progression. We know that the multiplication is a form of repeated addition. Multiplication is nothing else but it is a repeated addition. So, multiplication of table 2 can be formed by adding 2 repeatedly. Isn't it? Yes. सो टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू 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 जा फोर टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट सो वॉट वी आर डूंग टू प्लस टू वी आर गेटिंग फोर देन फोर प्लस टू वी आर गेटिंग एट ठीक है सो ये क्या है मल्टीप्लीकेशन टेबल जो है ये किसका एग्जाम्पल है आपका अरेथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑल्सो फॉलो द सिक्वेंस इन एन ए पी ऑल द मल्टीपल्स ऑफर कैन बी ऑप्टेन बाई एडिंग द नंबर टू इट्स प्रोसीडिंग मल्टीपल आई सी दल्टीपल्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये आपके पास क्या है मल्टीपल्स हैं थ्री के तो देखिए नेक्स्ट नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर प्रीवियस नंबर में हम थ्री एड करें देन अगेन थ्री एड करेंगे नाइन आ जाएगा देन देन अगेन थ्री ऐड करेंगे ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल्स कैलकुलेट हो रहे हैं तो ये मल्टीपल भी आपका किसका एग्जाम्पल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन रियल लाइफ फर्स्ट वन इज टाइम हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक द सेकेंड्स हैंड मूव इन अरिथमेटिक सीक्वेंस एवरी टाइम जो आपका इंक्रीज हो रहा है सेकेंड वो क्या हो रहा है की इंक्रीमेंट हो रहा है ठीक है सो वन टू थ्री फोर फाइव टिल सिक्सटी वो क्या होता है इंक्रीज होता है, चला जाता है देन अगेन वन टू थ्री फोर एंड टिल सिक्सटी और इसी तरह से मिनट हैंड भी और आर एंड बी क्या हो रहा है अरिथमेटिक सिक्वेंस एक फॉर्म करते हैं ठीक है इसी तरह से अगर हम देखें तो वीक्स इन अ कैलेंडर वीक का सेकंड वीक थर्ड वीक फोर्थ वीक किसी तरह से वीक्स हमारे क्या हो रहे हैं मूव करें अरिथमेटिक सीक्वेंस में और सेम वे में आपके ईयर्स 19 199 2000 अभी 2021 है नेक्स्ट uh, 2022 आएगा ठीक है तो हमारे 1 1 प्लस कर रहे हैं और इसी तरह से लीप ईयर्स के लिए हम क्या ऐड करते, है? करते हैं फोर ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो अगर हम कहें 1996 लीप ईयर था उसके बाद 2000 लीप ईयर था देन 2004 लीप ईयर था तो हम क्या कर रहे हैं फोर फोर ऐड कर रहे हैं क्या ऐड कर रहे हैं हम फोर ऐड कर रहे हैं सभी में ठीक है तो ये एक आपकी क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी नेक्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ पीपल्स बर्थडे ठीक है किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो क्या करते हैं हम अगर कोई ट्वेंटी इयर्स का हुआ है नेक्स्ट टाइम ट्वेंटी वन का होगा देन ट्वेंटी टू देन ट्वेंटी थ्री और एक एक कैंडल क्या करते रहते हैं इंक्रीज़ करते रहते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर जो है वो ऐड हो रहा है हर बार ठीक है तो ये भी क्या है आपकी ए है इसी तरह से द सीट्स इन अ थिएटर थिएटर में भी सीट्स क्या होती हैं इंक्रीज होती रहती हैं लेयर बाय लेयर कुछ अमाउंट ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं जो भी सिटिंग प्लान हो उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो वो ये भी क्या है आपका एक पैटर्न है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट स्टैकिंग कप्स ठीक है तो एक स्टैक में अगर हम कप्स को लगा रहे हैं या यहाँ पे कार्ड्स लगे हुए हैं तो ये भी आपका क्या है किस चीज का एग्जाम्पल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं सो कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स Here we have three examples. In example one, we have fifty, hundred, one fifty, and two hundred. So यहाँ पे देखिए आपका fifty add करके हर term में next term calculate होकर आ रही है, ठीक है? तो जो भी आपका first number है series में, जो भी आपका sequence given है, उसमें जो भी first number है, that is known as first term of an AP. First number is in the series is called the first term. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? First term बोलेंगे. और उसे किससे डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं ठीक है नेक्स्ट वी हैव कॉमन डिफरेंस ठीक है तो यहाँ पे हम किस नंबर को ऐड कर रहे हैं कौन सा कांस्टेंट नंबर है जिसे हम फिक्स नंबर है जिसे हम हर बार ऐड करके अपनी नेक्स्ट टर्म्स को कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस तो इस केस में देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है फिफ्टी है तो देखिए कॉमन डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे ए क्या है आपकी सेकेंड टर्म ए क्या है फर्स्ट टर्म तो हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से ठीक है तो यहाँ पे जो जिस भी नंबर पे टर्म है सर वो सेकेंड टर्म है तो उसे हम लिखते हैं ए टू फर्स्ट टर्म है तो ए वन या सिंपली ए लिखेंगे थर्ड टर्म है तो ए थ्री एन एथ टर्म है तो ए एन लिखेंगे ठीक है so, सो डी कैसे कैलकुलेट हो रहा है आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो वो भी क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा ठीक है सिमिलर ही आएगा जब भी हम हंड्रेड माइनस फिफ्टी करेंगे तब भी फिफ्टी आएगा वन फिफ्टी माइनस हंड्रेड करेंगे तब भी फिफ्टी ही आएगा और इसी तरह से टू हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी करेंगे तब भी क्या आएगा फिफ्टी आएगा तो किन्हीं भी दो टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन सिक्वेंस क्या होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस होगी जो भी आप टर्म ले रहे हैं उसमें से क्या करेंगे प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ठीक है तो हमारा सेकंड जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या आएगा सेवेंटी माइनस हंड्रेड सेवेंटी में से क्या माइनस करेंगे हंड्रेड इसमें ऐसा नहीं करेंगे जो लार्जर नंबर है उसमें से करेंगे आप सब्ट्रैक्ट नो no. आपको सेकंड टर्म ही लेनी है पहले सेकंड टर्म में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म सो इट विल बी माइनस तो आपके पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया माइनस सो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज इट कैन बी जीरो ठीक है ये अगर हमारी सीक्वेंस है तो यहां पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है जीरो है साइन जर्नल एपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी तो देखिए हमारा इनिशियली क्या है यहां पर फर्स्ट में इसे पुट करके देख लेते हैं एक बार देखिए ये क्या है आपका फिफ्टी फिफ्टी इज ए ए प्लस डी डी क्या है हमारे पास इस केस में फिफ्टी सो ए प्लस डी अगर हम करेंगे सो दैट मीन्स फिफ्टी प्लस फिफ्टी तो ये आपके पास क्या आया हंड्रेड यही हमारी टर्म है इस सीक्वेंस में नेक्स्ट हम क्या करें ए प्लस टू डी ए क्या है फिफ्टी एंड टू डी डी क्या है फिफ्टी सो दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लाई सो फिफ्टी प्लस हंड्रेड दैट इज़ वन फफ्टी सो नेक्स्ट टर्म इज़ वन फिफ्टी येस करेक्ट हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है वन फिफ्टी ठीक है तो जैसे हम इंक्रीज uh, करें जैसे जैसे हम आगे फर्दर बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे हम उतने ही टाइम हमारा क्या होगा डिफ्रेंस एड होता चला जाएगा अगर थर्ड टर्म है तो उसमें दो बार हम ऐड कर रहे हैं ठीक है थर्ड टर्म अगर हम देख रहे हैं दिस इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो वो क्या होगी इंक्रीज होती चली जा रही है सेम अमाउंट से इंक्रीज़ हो रही है तो अगर ये ए है तो इसमें हमने क्या ऐड किया डी ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया ए प्लस डी सेकेंड टर्म अब इसको कैल्कुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दो बार डी ऐड करना पड़ेगा देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐड किया सेकेंड टाइम यहाँ ऐड किया तो कितना ऐड करना पड़ेगा टू टाइम्स ऐड करना पड़ेगा डी इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो उसमें हमें कितनी बार ऐड करना पड़ेगा वन टू एंड थ्री थ्री टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा दैट मीन्स ए प्लस थ्री डी आ जाएगी इस टर्म के लिए ठीक है तो इसी तरह से आप देखिए फोर्थ टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितनी बार डी को करना पड़ा ऐड थ्री टाइम्स तो अगर हमें एन एथ टर्म लेनी है तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा एन माइनस वन टाइम सेकेंड टर्म थी देखिए यहाँ पे ये सेकेंड टर्म है तो कितनी बार ऐड करें वन टाइम सेकेंड है तो कितनी बार ऐड करें वन टाइम थर्ड टर्म है तो कितनी बार ऐड करें टू टाइम्स तो इसी तरह से हम हमें क्या करना पड़ता है जो भी नेक्स्ट टर्म्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हर बार क्या करते हैं एक एक बार ऐड कर रहे हैं अदरवाइज अगर हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ठीक है अगर हमें डायरेक्ट किसी टर्म को कैलकुलेट करना है ठीक है अगर हमें हंड्रेड टर्म कैलकुलेट करनी है तो ऐसे तो नहीं कर सकते हम एक एक बार डी 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 एड करते चले जाएंगे नो वी कैनॉट डू दैट वे तो हमें क्या करना पड़ेगा एक फॉर्मूला बनाएंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो एन एन एथ टर्म अगर कैलकुलेट करनी है तो उसमें फर्स्ट टर्म में हमें एन माइन एन माइनस वन टाइम्स डी को ऐड करना पड़ता है ठीक है इस फॉर्मूला को आगे देखेंगे सो दिस इज कॉल्ड द जर्नल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस तो ये क्या है एक जर्नल फॉर्म है ठीक है डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने देखे जर्नल फॉर्म देख लिया कि किस तरह से हम एक एपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं So let's recall all the points which we have discussed in this uh, video. An arithmetic sequence goes from one term to the next by always adding or subtracting the same value. The number added or subtracted at each stage of the arithmetic sequence is called the common difference. Ex examples of arithmetic sequences occur when things change by the same amount each time. ठीक अगर सेम अमाउंट ऑफ चेंज होगा हर बार तभी आपकी क्या होगी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी अदरवाइज नहीं होगी दैट्स ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो